स्टूडेंट आइए जानते हैं एबोनॉट की छड़ को जब हम बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो इस पर 1000 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। एबोनॉट की छड़ पर आवेश की मात्रा हमें ज्ञात करनी है। ये हमारा प्रश्न है फिजिक्स क्लास 12th का, NCERT माध्यम से हम पढ़ा रहे हैं। आप हमारे चैनल पर अगर जुड़े हैं तो आप बहुत लाभ उठा सकते हैं। अगर कोई सवाल नहीं समझ में आता है तो हमारा एक कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, आप इस पर कॉल करके हमसे समझ सकते हैं। तो आइए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन क्या है? एबोनॉट की छड़ को बिल्ली की जब हमने खाल से रगड़ा तो इस पर क्या है, एबोनॉट की छड़ मान लेते ये है और ये एक बिल्ली की खाल है, ये इधर है बिल्ली की खाल और इधर है ये एबोनॉट की छड़। तो एबोनॉट की छड़ को जब बिल्ली की खाल से रगड़ा तो किस पे 1000 इलेक्ट्रॉन आ गए, इधर वाले पे 1000 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। एबोनॉट की छड़ पर इधर 1000 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो यहाँ क्या होगा, माइनस चार्ज, इस पर क्या होगा, प्लस चार्ज। तो एबोनॉट की छड़ पर आवेश ज्ञात करना है तो हमें इस पे आवेश ज्ञात करना है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1000, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। और हम लोग फार्मूला लगाएंगे क्यू बराबर यानी आवेश के क्वांटीकरण से, एन का मान हमारे पास है 1000, ई का मान 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, गुणा करेंगे तो 1.6 ऐसे ही रखेंगे, 10⁻¹⁹ और ये 3 है प्लस के जाएंगे इसमें तो इतने कूलम आवेश, तो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम का आवेश आ गया। ये हमारा आंसर है। और आवेश की प्रकृति कैसी रहेगी, तो ऋण आवेशित रहेगा। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।